नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका weeklyexploreindia.com में। और आज एक ऐसे मामले के बारे में हम बात करने आए हैं आपके सामने जो काफी गंभीर मामला, इसे आप कह सकते हैं काफी दुखद मामला आप इसे कह सकते हैं। आज मैं अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। एक तरफ राहुल है हमारे साथ, हमारे युवा पत्रकार साथी, और दूसरी तरफ हमारे साथ रेनू बैठी हुई है जो आज इसी मामले पर हमारे साथ बात करने आए हैं। एक ऐसा मामला हुआ जहां पर कुछ समय तक लोग मेला देख रहे थे, कुछ समय तक लोग खुशी से झूम रहे थे, उसी जगह पर कुछ देर बाद मातम पसरा हुआ था। जी हम बात कर रहे हैं रेल एक्सीडेंट की जो अमृतसर में हाल ही में हुआ। सब वहां पे पहुंच गए, सब एक दूसरे पर अपने आरोपों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर लीपापोती कर रहे हैं। तो इस मामले का असली रावण कौन है? क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि यहां पर लोग सेल्फी ले रहे थे, लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते वो अपनी सेल्फी खींच रहे थे, वो भी पटरियों पे खड़े होके, तो उन्होंने सीधे लोगों के ऊपर इसकी गलती डाल दी है। दूसरी तरफ अगर वहीं हम नवजोत सिद्धू को देखें तो उन्होंने कहा है कि ड्राइवर की गलती थी, लेकिन कौन था इस हादसे का रावण? राहुल जी बिल्कुल, रोहित ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि इस हादसे का आखिरकार इस हादसे का रावण कौन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर हम यहां पर बाकी ट्वीट्स की बात करें या बाकी हम ब्रेकिंग्स की बात करें जो हर मीडिया चैनल, हर न्यूज चैनल अपने बारे में बता रहा है, तो सब किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की कि रावण एक्चुअली हादसे का कौन है। सबने आरोपों को थोपना शुरू कर दिया, किसी ने सीएम को गलत कह दिया, किसी ने रेलवे के ऊपर पूरा मामला डाल दिया, किसी ने कह दिया कि पीयूष गोयल जो है वो उनकी गलती है। लेकिन यहां पर कई लोगों से मैं सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल और रेलवे मंत्रालय, पूरा जो ब्यौरा है उनका रेलवे मंत्रालय का, वो इसका जिम्मेदार है। और इसका तथ्य भी मैं आपको दे सकता हूं। दरअसल बात यह कि वहां के लोगों से जब बात की गई, वहां के लोगों ने जब बताया कि उस फाटक पर वैसे भी भीड़ और गहमा गहमी लोगों की काफी ज्यादा बनी रहती है, तो लोगों ने आवेदन पत्र लिखकर एक रेलवे मंत्रालय को दिया था। वहां से जब ट्रेन गुजरा करे, उस फाटक से जब ट्रेन निकले, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम की जाए। और यहीं पर अगर हम ड्राइवर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ड्राइवर जो उनको भी है जो क्लीन चीट मिल चुकी है। ड्राइवर का कहना है कि उसने हॉर्न भी दिया, उसने जो है वो स्पीड भी कम की, लेकिन अचानक से वो ट्रेन को नहीं रोक सकता था। जो हादसा 60 लोगों की मौत से खत्म हुआ है, हो सकता था वो हादसा 300-400 लोगों तक भी पहुंच सकता था। तो रावण की अगर बात करें तो यहाँ रेल मंत्रालय को हम रावण बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की बातें पर जो है वो ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को, उनके आवेदन को अनसुना कर दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। सही कहा राहुल आपने, हादसा ये इतना बड़ा था कि कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया और कई पिता तो रो रो कर बोल रहे थे कि मेरा इकलौता बच्चा है, और इसके साथ ही साथ कई छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माता पिता को खो दिया। तो ये इस हादसे को छोटा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह को अगर हम देखें तो वो कम से कम 15 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद आने के बाद वो एक ऐसा बयान देते हैं कि अगर सारे वीआईपी लोग घटना स्थल पर मौजूद रहेंगे तो काम कौन करेगा। तो इनका बड़बोलापन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है कि दशहरा जैसे मौके पर एक तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि पल भर में जो खुशियां मनाई जा रही थी वो मातम में बदल जाती हैं। लेकिन वहीं पर एक राज्य के मुख्यमंत्री की बात की जाए, कैप्टन अरमिंदर सिंह की, तो उन्होंने वाकई में अपने बड़बोलापन को तो बात चलो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन उनका वाकई में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान है। जब हादसे वाले दिन ही जब बात की गई थी कि जानने चाह रहे थे, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर में घटनास्थल पर कितने लोगों की मौत हुई है, तो वहां पर उन्होंने अपना मतलब कि इतना बाकी से बिल्कुल ये बात बोल दी कि हाँ इस पे प्रशासन कल जो है बताएगा कि आखिर में कितने लोगों की मौत हुई है, कल आंकड़ा जारी करेगा। क्या इतने बड़े हादसे को लेकर के अगली सुबह तक लोग इंतजार करेंगे? क्या वो ये सोचेंगे कि अब आखिर में उनको कब इंतजार पर पता चलेगा या कब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे की? और उसके बाद फिर आपने ये जो कहा कि हाँ वीआईपी अगर सारे यहाँ घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे तो आखिर में काम कौन करेगा, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ये कोई समय नहीं है इस तरह की बातों को बोलने का। आप इसके बजाय कुछ और तरीके से जो है बातों को बता सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तरीका नहीं है। जी हाँ, इस मामले में 60 लोगों की जान चली गई है, वहीं 72 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात वो हुई कि डॉक्टरों की भी आंखें भर आईं। उनको देखने के बाद डॉक्टरों को ये समझ नहीं आया कि पहले किसको फर्स्ट एड किट लगाएं और पहले किसका इलाज करें। इतने लोगों को देखने के बाद ये तक जानना मुश्किल हो गया था कि कौन जिंदा है और कौन मृत स्थल में पड़ा हुआ है। तो यहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि नवजोत कौर सिद्धू को कुछ ज्यादा ही इस मामले में घसीटा जा रहा है, तो जिस तरह से राहुल आप कल से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि वो 15 मिनट पहले वहां से निकल गए। वहीं अगर रेल मंत्री से बात करें तो रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमसे इस चीज की, इस आयोजन की कोई अनुमति नहीं ली थी।
तो नवजोत कौर सिद्धू का वहाँ पे उपस्थित रहना कहीं ना कहीं गैरकानूनी दिखाता है या कुछ सवाल खड़े कर देता है। जी बिल्कुल, यहाँ रोहित नवजोत कौर सिद्धू का वहाँ मौजूद होना अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा कर देता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब हादसा हुआ, हादसा होते ही नवजोत कौर सिद्धू जो है तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठी और वो निकल गई, जो बहुत गैर जिम्मेदाराना अगर हम बात करें तो वो दर्शाता है यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं पर हम दूसरी ओर बात करें नवजोत कौर सिद्धू की, तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनके निकलने के 15 मिनट बाद ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी की अगर बात करें तो अपने अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना बयान हम एक और कह सकते हैं यहाँ पर नवजोत कौर सिद्धू का, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि सभी मीडिया चैनल्स ने एक चीज को कवर किया है, यानी वहां के जो पार्षद हैं, पार्षद महिला पार्षद के पति ने ये आयोजन पूरा किया था। तो अगर महिला परिषद के पति जो हैं वो आयोजन एक करते हैं दशहरे का और वहां पर कानून व्यवस्था भी नहीं है, वहां पर कानून की मंजूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक सवाल सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है। और अगर प्रशासन के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा कर सकते हैं क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू अगर वहां मौजूद है तो वो वहाँ क्यों मौजूद है, अगर वहाँ पर कानूनी कार्रवाई जहाँ अगर कानून की हम बात करें वहाँ नहीं मौजूद है कानून, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पार्षद महिला पार्षद के पति वहाँ वो आयोजन करवाते हैं और वहाँ पर बाद में हमें सुनने को मिलता है कि इसकी कोई अनुमति ली ही नहीं गई थी सरकार से और नवजोत कौर सिद्धू वहाँ मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बनाकर रख दी है इन्होंने इन बातों का। राहुल, एक और नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आया जी कि ड्राइवर की गलती थी जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर अभी 60 लोगों की जान चली गई है जी, अगर ड्राइवर वहां पे ट्रेन को रोक देता झटके से, बिल्कुल डब्बे के ऊपर डब्बा चढ़ जाता और ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती जी, बिल्कुल रोहित यहाँ पर ये गैर जिम्मेदार अपना बयान नहीं लगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैं वही रोहित आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान हर VIP अपने तरीके से बयान दे रहा है। हमने अमरिंदर सिंह को देखा, अलग अलग तरह के बयान उन्होंने रात में कुछ और कहा, सुबह आकर वो कुछ और बयान दे रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू की अगर हम बात करें तो उन्होंने दो बार में दो बयान चेंज किए हैं अपने। उसके बाद सिद्धू की अगर बात करें तो हर बात पर वो कहते हैं ठोको और बात करो, लेकिन अब वो चुप क्यों है और वो सिर्फ एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि रेल मंत्रालय की गलती है, उसकी गलती है, हर चीज की गलती है वो निकाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुछ कहा ही अभी तक उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा है क्योंकि वो भी मौजूद वहां थी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सिद्धू पे भी खड़ा होता है। और बात रही गलती की, तो यहाँ पर अगर ट्रेन का जो ड्राइवर था अगर वो वहां ट्रेन रोक देता, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती रोहित वहां पर, तो अभी हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 60 लोगों की मौत हुई है। अगर वो वहां पर इमरजेंसी ब्रेक लगती तो रोहित ये जो आंकड़ा है वो 300 से 400 तक भी जा सकता था। एक तो दशहरा के आयोजन में मौजूद जो लोग थे उनकी मौत ज्यादा हो जाती, उनकी संख्या बढ़ जाती, और ट्रेन के डिब्बों में जो बैठे रेल यात्री थे रोहित, उनकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक आप जब लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार में गाड़ी का ब्रेक हमने लगा दिया और गाड़ी रुक गई, नहीं, यहाँ 24 से लेकर 26 डिब्बों की ट्रेन होती है, उसमें आप इमरजेंसी ब्रेक अगर लगाते हैं तो ट्रेन आपस में टकराती है और डब्बे के ऊपर डब्बा जरूर चढ़ता है और वहां पर एक हादसा जो है वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। हाँ, यहाँ पे राहुल आपने प्रशासन की बात करी थी, तो रेनू मैं आपसे प्रशासन के ऊपर ही आता हूँ कि दो रेल मंत्री चेंज हुए हैं। हाँ, पहले सुरेश प्रभु थे और उसके बाद आप पीयूष गोयल आए मोदी सरकार, और वही मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और वही 2016 में नवंबर का एक हादसा था जिसमें 150 लोगों की जान गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। वही अगर 2017 की बात करें तो 2017 में भी एक मामला सामने आया था जहां पटरी से ट्रेन उतर गई थी और कम से कम 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमजोरी नजर आ रही है, क्या प्रशासन को क्या बोलूं, किस तरीके से सरकार सुधार सकती थी? जैसा आपने बताया कि अभी दो मंत्रियों का, रेल मंत्रियों का चेंज हो जाना, उसके बाद व्यवस्थाओं और उसके बाद इतनी ज्यादा घटना हो जाना, ये बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे ऊपर सवाल खड़े करने वाली बात है, या फिर जनता की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि दोनों तरफ से चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जिम्मेदार हम सिर्फ प्रशासन को ही ठहरा दें, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी को हैंडल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें लगता है कि एक तरीके से हमें भी सोचने की जरूरत है और दूसरी तरफ से प्रशासन जितने सुधार कर सके उसको करने की जरूरत है। तो समझ चुके हैं आप ये मामला जिस बारे में हमने अभी सबकी राय जानी है, प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियां दिखी है, सीएम की कहीं ना कहीं खामियां दिखी है, और इन्हीं खामियों की वजह से 60 लोगों को, या फिर ये कहिए कि 60 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे जुड़ी हुई और भी खबरों को जानने के लिए फॉलो करते रहिए wikileaksforindia.com के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।